जब तक आप लोगों के घरों में बुरी शक्ति का वास है, तब तक आप लोगों को पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। जब भी आप लोग पूजा पाठ करनी शुरू करते हो तो बहुत सी बाधाएं आपकी पूजा में आना शुरू हो जाती हैं। साथ में आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि जैसे कोई ना कोई बुरी शक्ति तो है जो आपकी पूजा को रोक रही है। जब भी आप लोग कितनी भी पूजा करें, जब तक आपके घरों में बुरी शक्ति का वास है, तब तक वो पूजा आप लोगों की सफल नहीं होगी। तब तक वह पूजा पाठ उन देवताओं तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो भी घरों में आपके बुरी शक्ति है वो आपकी पूजा में बाधा डालती है। और जब भी किसी पूजा में बाधा आ जाती है तो वह पूजा उन देवताओं तक नहीं पहुंच पाती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे पूजा के उन कुछ संकेतों के बारे में जिनसे आप लोग यह जान सकते हो कि आपके घरों में बुरी शक्ति का वास है। जिसमें से सबसे पहला जो संकेत आपको पूजा के समय पर मिलता है वो है पूजा के समय पर घबराहट होना। आप लोग महसूस करोगे कि अगर आपके घरों में बुरी शक्ति का वास है तो जब भी आप लोग पूजा करने बैठते हो तो आपके शरीर में बेचैनी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। आपके हाथों पैरों में एक गर्मी सी लगना शुरू हो जाती है। आप लोग ज़्यादा समय उस समय पर पूजा पे नहीं बैठ पाओगे। आपका मन उठना करने लग जाता है कि बहुत से समय से आप लोग बैठे हो, आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पूजा के समय पर आपके शरीर में दर्द होगा, शरीर में छोटी छोटी बीमारियों के कारण आप लोग पूजा में ज़्यादा समय नहीं बिता पाओगे। आप लोगों को घबराहट लगना शुरू हो जाएगी, भर भर कर नेगेटिव विचार आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि आपको भी बहुत से नेगेटिव विचार आते हैं, शरीर में घबराहट महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, तो यह सब बुरी शक्तियों के संकेत हैं कि आपके साथ में कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर है जो आपको पूजा करने से रोकती है। आप लोग कभी भी महसूस करना, जब भी आप लोग घरों में अपने पूजा पाठ करते हो तो कई बार जब भी हमारे घर में कोई बुरी शक्ति होती है तो आपको पूजा में रुकावट इसी तरह से मिलेगी कि शरीर में आपके वो दर्द रहेगा, शरीर में बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी। लेकिन जब भी आप लोग किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करोगे तो आपको बहुत सा आनंद वहां पे आता है, क्योंकि वहां पर एक पॉजिटिव शक्ति का ऑरा है। और जो आपके घरों में नहीं है, आपके घरों में है नेगेटिव शक्ति, इसके कारण से भी आप लोगों की पूजा सफल नहीं हो पाती। तो इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की, कि दूसरा संकेत आपको यह मिलेगा कि जब भी पूजा के समय पर बहुत सी रोक टोक घर में होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो भी आपके घर में बुरी शक्ति है वह नहीं चाहती कि आप लोग पूजा करें, और पूजा करने से आपके घर में एक पॉजिटिव शक्ति आए, पॉजिटिव देवता आए, कोई शक्ति या फिर कोई देवी देवता आपके घर में आए। और अगर आपके घर में देवता आ जाते हैं, कोई पॉजिटिव शक्ति आपके घर में आ जाती है, तो बुरी शक्ति का जो प्रभाव है वो आपके घर में चलना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए भी पूजा में रोक टोक आपके होना शुरू हो जाती है। जब भी आप लोग पूजा करने जाओगे तो आपके घर के सदस्य आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, वह खुद से नहीं बोलते, वह बुरी शक्ति उनसे वो बातें निकलवा देती है। आपके साथ में झगड़ा हो जाता है, पूजा में बार बार झगड़ा होना, या फिर आप लोग जब भी पूजा करने की सोचते हो तो कोई ना कोई नुकसान आपके घर में होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की बाधाएं पूजा के समय पर आना शुरू हो जाती हैं, कोई नुकसान होना या फिर लड़ाई झगड़ा होना पूजा के समय पर, रोक टोक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना। क्योंकि हल्की फुल्की रोक टोक अगर आपके घरों में होती है वो होती है देवताओं की परीक्षा, आपकी सहनशीलता को परखते हैं। लेकिन जब नुकसान होना शुरू हो जाते हैं और हर रोज ही झगड़े होते हैं पूजा के नाम पर, तो यह सब कुछ बुरी शक्तियों के संकेत हैं। वो नहीं चाहती कि आप लोग किन्हीं किसी भी देवता की किसी भी शक्ति की आप पूजा करें और वह शक्ति आपके घर में आए और बुरी शक्ति का प्रभाव चलना कम हो जाए। तो ऐसा वो शक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहती है, तो इसलिए बुरी शक्ति आपके घरों में लड़ाई झगड़े कलेश कराना शुरू करा देती है। अब इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत है कि पूजा के समय पर बहुत सा आलस आ जाना। कई बार आप लोग पूजा करने बैठते हो तो बहुत सा आलस आपके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोग पूजा ही नहीं कर पाते हो। जैसे आप लोग या फिर जब भी आप जो भी आपका समय है पूजा करने का, जब भी वो समय होता है तो आपको एक आलस सा आना शुरू हो जाता है, हल्का बुखार आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो यह सब उन्हीं बुरी शक्तियों के कारण होता है जो आपके शरीर को घेरे हुए रखी हैं।
जब भी आपके आसपास कोई बुरी शक्ति होगी तो वो पूजा के समय पर आपकी बाधाएं उत्पन्न करना शुरू कर देती है। बहुत सा आलस आपको आ जाएगा, या फिर आप पूजा करने जाओगे तो आप सो ही जाओगे, आप लोग पूजा ही नहीं कर पाओगे, कोई मंत्रा जपोगे तो उस समय पर बहुत आलस आएगा, हल्का बुखार आपका आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में जब उत्पन्न होने लगें और किसी न किसी प्रकार से कोई बाधा आपके जीवन में आती है पूजा के समय पर, तो यह सब कुछ बुरी शक्तियों के संकेत हैं। वो नहीं चाहते कि आप लोग उस समय पर पूजा करें, और क्योंकि एक ही समय ऐसा है कि जब आप बार बार उसी समय पर किसी देवता को याद करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो देवता उस समय पर जागृत होना आपके घरों में शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी जो समय है पूजा का समय है, उस समय पर ही आपके जीवन में परेशानी अगर आपको लगे कि जैसे कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि जो करने के लिए आप मजबूर हो जाते हो, या फिर आपको आलस बहुत गहरा आ जाता है, तो यह सब बुरी शक्तियों के संकेत हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आपके घरों में कोई बुरी शक्ति है या नहीं है, क्योंकि ये जो संकेत आपको बताए जा रहे हैं इनमें से अगर आपके कुछ संकेत मिलते हैं तो यह बात सत्य है कि आपके घरों में कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति जरूर है। अब इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की, कि पूजा में शक्ति खुलकर न आना। आप लोग दिन भर पूजा पाठ करते हैं, आप लोग महसूस करते हैं कि कोई शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह शक्ति खुलकर नहीं आ पाती। काफ़ी साधक ऐसे हैं जिनके शरीर में काफ़ी सालों से देवताओं का वास है, उनके शरीर पर कोई ना कोई शक्ति आती है, उनको संकेत भी मिलते हैं कि जैसे शरीर में कंपन होना या फिर कुछ वचन मुख से निकलना, और वचन अगर निकल भी जाते हैं तो वह सत्य नहीं हो पाते, और अगर कोई शक्ति आ रही है आपके शरीर पर तो वह वचन ही नहीं करेगी, वह सिर्फ अपना एक जो लहर है वो आपके शरीर पर दिखाकर चली जाती है, आपके शरीर पर अपना प्रभाव दिखाकर चली जाती है, लेकिन वह बोलती नहीं है। कहने का मतलब है कि शक्ति का खुलकर न आना। बहुत समय से आपके शरीर पर कोई ना कोई शक्ति अगर आ रही है और वह खुलकर आपके शरीर पर नहीं आ रही है, तो यह भी एक नेगेटिव शक्ति का ही संकेत है, क्योंकि किसी न किसी प्रभाव के कारण वह बुरी शक्ति आपके शरीर पर अपना असर रखती है, आपके शरीर पर अपना प्रभाव डालकर रखती है, जिसकी वजह से वह बुरी अच्छी शक्ति खुलकर नहीं आ पाती। आप लोगों से कुछ ऐसी गलतियां कराना पूजा में शुरू कर देती है, साथ में आपकी पूजा में कुछ बाधाएं डालना शुरू कर देती है। आपके घरों में अगर कोई बुरी शक्ति है तो आपकी पूजा को खाना शुरू कर देती है, आप लोग जो भी भोग देते हो उसके अंदर छोटी छोटी अपवित्रता के रूप में, कुछ कणों के रूप में कुछ गलतियां आपके हाथों से कराना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वह अच्छी शक्ति खुलकर नहीं आ पाती है, क्योंकि वह आपकी पूजा को उन देवताओं तक पहुंचने से रोकना शुरू कर देती है। और शक्ति खुलकर न आना यह भी एक उसका बुरी शक्ति का ही संकेत है, क्योंकि जब कोई भी देवता कोई भी शक्ति आपके शरीर पर आ रही है तो वह पूर्ण रूप से ही आएगी। अगर कोई ना कोई गलती की वजह से वह शक्ति खुलकर नहीं आ पा रही है, वो है बुरी शक्ति की, या तो आपका कोई देवता नाराज हो चुके हैं, आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, या फिर कोई बुरी शक्ति जरूर है जो आपकी पूजा को रोक रही है। और जब भी कोई बुरी शक्ति आपकी अच्छी शक्ति को जब रोकने का प्रयास करती है, उसको आपके शरीर पर नहीं आने देती, क्योंकि अच्छी शक्ति तभी रुक जाती है जब आपके शरीर पर कोई बुरी शक्ति का वास होता है। जब भी आपके शरीर में अगर कोई बुरी शक्ति लगी हुई है तो वो अच्छी शक्ति को बुलाने से पहले उस बुरी शक्ति को दूर करना होगा, उस अपवित्रता को दूर करना होगा, तभी जाकर आपके शरीर पर कोई अच्छी शक्ति आएगी और वही कार्य करना शुरू करती है। साथ में अब इसी प्रकार से बात आती है पांचवें संकेत की, जो है सोते हुए दबाव होना। जब भी आप लोग कभी महसूस करोगे कि जैसे आप लोग पूजा के बाद आप सो जाते हैं, या फिर जब भी आप लोग कुछ आपके घरों में कोई पूजा पाठ करते हैं और पूजा करने के बाद आप सो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर कोई दबाव डाल रहा है, आपके शरीर पर एक दबाव डलता है, और उस दबाव के कारण आप लोग बोल नहीं पाते हो, कुछ बात नहीं कर पाते हो, शरीर को हिला नहीं पाते हो, तो वह भी बुरी शक्तियों के संकेत हैं। सोते हुए अपने आसपास गंदी बदबू आना, साथ में आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन सा हो जाना, आपके शरीर में दर्द रहना, बीमारियां लग जाना,
साथ में अपने ही शरीर से, अपने ही वस्त्रों से आपको बदबू आना शुरू हो जाती है, सोते हुए दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, वह शक्ति आपको डरा देती है ताकि आप लोग पूजा न कर पाओ। साथ में यह भी बुरी शक्ति का संकेत है कि अगर आपको सोते समय दबाव आ रहा है, साथ में आपको अपने ही कपड़ों से गंदी बदबू आ रही है, तो यह सब बुरी शक्तियों के संकेत हैं। आप लोगों को जब भी पूजा में सफलता अगर चाहिए तो आपको बुरी शक्तियों को दूर करना ही होगा। जब तक यह बुरी शक्ति आपके साथ रहेंगी आपको पूजा में सफलता नहीं मिल पाती है। देवी देवता उस समय पर आपकी केवल रक्षा करते हैं ताकि कोई बड़ी हानि आप लोगों के साथ में न हो, वे आपके आत्मविश्वास को जगा कर रखते हैं। लेकिन जो भी यह बुरी शक्ति आपके घर में आई है, यह भी किसी न किसी कारणवश किसी न किसी भोग पे आपके घर में जरूर आई है, तो यह अपना कार्य करेगी और अच्छी शक्ति अपना कार्य करती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब भी आप लोग पूजा करते हो तो कुछ समय के लिए आपका समय अच्छा आता है, लेकिन फिर वही बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। तो यह सब इन शक्तियों का ही खेल है, इन ऊर्जाओं का ही खेल है। तो सबसे पहले आपको अगर पूजा में सफलता चाहिए तो आपको बुरी शक्ति को दूर करना ही होगा। तो साथ में अगर कोई हमसे बात करना चाहता है अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में, अपने घर की समस्याओं के बारे में जानना चाहता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह साथ में अपनी समस्या का समाधान आप लोग तुरंत जान सकते हैं। अगर आप साधकों के अनुभव देखना चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन जाकर चेक कर सकते हैं, वह साधकों के अनुभव देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।